नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। स्त्रियां शिवलिंग को क्यों ना छुए और अगर छू ले तो क्या होगा। शास्त्रों में कुछ ऐसे मर्यादा है जिस मर्यादा का पालन चाहे देवता हो या मनुष्य सबको करना पड़ता है। मर्यादा का अगर पालन न किया जाए तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार स्वयं माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा पार किया तो रावण जैसे दुराचारी का कष्ट सहना पड़ा। अगर वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं बल्कि एक मर्यादा था। मर्यादा खंडित होने पर द्रौपदी का चिरहरण हुआ और मर्यादा का उल्लंघन करने पर कामदेव जैसे देवता भी भगवान शंकर की क्रोध अग्नि में भस्म हुए। तो मर्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में जानेंगे महिलाओं को शिवलिंग को क्यों नहीं छूना चाहिए और छूते हैं तो क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो शिवलिंग को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे जो निचला हिस्सा होता है, जो नीचे टीका होता है, यह ब्रह्मदेव का हिस्सा माना जाता है, जिसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहा जाता है, ये इसका हिस्सा है। मध्य भाग का जो हिस्सा होता है वे भगवान विष्णु जी का हिस्सा माना जाता है। विष्णु जी को भगवान विष्णु जी को पालनहार कहे गए हैं। और ऊपरी भाग का हिस्सा जिसे हम ऊपर का हिस्सा बोलते हैं वो शिव जी का हिस्सा है, सृष्टि का विनाशक शिव को माना जाता है। तो जो लोग शिवलिंग को केवल शिव का स्वरूप मानते हैं ऐसे लोग महामूर्ख हैं। शिव पर समस्त देवी देवता का वास होता है। तो इस वीडियो में जानते हैं महिलाओं को शिवलिंग को क्यों नहीं छूना चाहिए और महिलाओं को शिवलिंग को छू करके क्यों नहीं पूजा करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरे से उसकी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है शिवलिंग छूने का अधिकार केवल माँ पार्वती वश को है। कोई महिला शिवलिंग को छू दे तो माँ पार्वती नाराज होता है और दंडित भी करते हैं। इसलिए भूल करके शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए, इससे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो जाते हैं। कई मंदिर आपने देखे होंगे जहां पे शिवलिंग के पास जाने में महिलाओं को वर्जित रखा जाता है, यानी कि महिलाएं शिवलिंग के पास में नहीं जा सकते। ऐसा भी कहा जाता है महिलाओं को अकेला शिवलिंग यानी कि भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए बल्कि उनके पूरे परिवार की पूजा करना चाहिए। विवाहित महिला शिव और पार्वती दोनों की पूजा करे लेकिन लिंग रूप में नहीं बल्कि मूर्ति स्वरूप में, जिसमें शिव और पार्वती दोनों का स्वरूप हो, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। तो आशा करता हूं कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए जो कि इस वीडियो में जानकारी बताया हूं, ये आपके जीवन में बिल्कुल ही कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो औरों को भी जानना चाहिए तो इसे अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।